हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिम जाने से आपको कैसे हेल्प हो सकता है हाइट इंक्रीज करने में। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो जिम जाएंगे तो उनका हाइट दब जाएगा, उनका हाइट और बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको हाइट इंक्रीज करने में बहुत हेल्प होगा। तो अगर आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपको एक अच्छा जिम में क्यों मेंबरशिप लेना चाहिए एक अच्छा जिम में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं। लास्ट तक देखना जरूरी, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो में बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जब आप एक अच्छा जिम में मेंबरशिप लेते हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता क्या है कि वहां का माहौल बहुत अच्छा है। बिकॉज मैक्सिमम लोग जो जिम करने आते हैं अच्छा घर से बिलोंग करते हैं, एंड वहां पर जाके आप प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर्म सीखते हो, बिकॉज टेक्निक बहुत मैटर करता है। अगर आप घर पर वर्कआउट करते हैं, मे बी ये हो सकता है कि आप प्रॉपर टेक्निक से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपका फॉर्म खराब है, एंड उससे आपको इंजरी होगा, कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आप हो सकता है बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आप सही टेक्निक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मे बी आप जिम जाकर बॉडी वेट से वर्कआउट कर रहे हैं, आप कोई वेट यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको वहां पर जाके प्रॉपर फॉर्म सीखने को मिलेगा, बिकॉज वहां पर गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे। नंबर वन, ट्रेनर्स अवेलेबल रहेगा जो आपको हमेशा गाइड करेगा। नंबर टू, आपका न किसी के साथ पार्टनरशिप हो जाएगा जिसके साथ आप डेली वर्कआउट करेंगे। नंबर थर्ड, सीनियर्स अवेलेबल रहेगा, अगर आप कोई सीनियर से कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको हेल्प जरूर करेगा। तो ऐसा होता है ना, वहां का ना माहौल बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है ना, आप वहां पर जाके बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप घर पर वर्कआउट करते हैं तो आपको बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको बताने वाला बहुत सारे लोग रहेंगे, एंड एक माहौल रहता है वर्कआउट करने का। घर पर आप लेजीनेस फील करेंगे, मन नहीं करेगा, आप आधा घंटा करके छोड़ देंगे, या कभी ना कभी ऐसा होगा आपको मन नहीं करेगा, लेकिन वहां पर ना जाके बहुत मजा आता है, एंड जब तक मजा नहीं आए आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा बेनिफिट क्या है पता, आपको डाइट के बारे पता चलेगा। जब आप देखेंगे कि आपसे बेहतर लोग वहां पर प्रेजेंट है तो आप ना उनसे पूछेंगे कि डाइट कैसे लेना चाहिए, तो आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से डाइट लो, प्रोटीन ज्यादा लो, ये लो, तो आप ना सीखेंगे। मेन चीज क्या है, आप सीखेंगे, एंड घर पर आप सीखते नहीं हो, सीखने को नहीं मिलता। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। स्टडीज के लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना या कोई कोचिंग क्लासेस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पर जब रहते हो ना तो खुद को सेफ फील करते हो कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो वहां पर आपको पता चलता है कि यार मुझसे भी कोई बेहतर है, ठीक है, तो आप उसको देखकर ना बहुत कुछ सीखते हो, एंड एक कंपटीशन आता है। वैसे जब आप जिम जाते हो ना तो एक कंपटीशन होता है वहां पे कि उससे मुझे बेहतर होना है, मुझे उससे अच्छा वर्कआउट करना है, उससे प्रॉपर टेक्निक से करना है, मुझे उसको हराना है, ठीक है, एंड खुद से भी कंपटीशन बढ़ जाता है कि मुझे अपने आप को हराना है। खुद से भी कंपटीशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप घर पर पढ़ाई करते हो तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, सही तरीके से आपको गाइड नहीं कर पाता, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल है, आपके दोस्त लोग अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको गाइड करने वाले लोग होते हैं। तो उसी तरह जब आप जिम जाते हो तो आपको गाइड करने वाले बहुत सारे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करेगा। जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा आप आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एंड बहुत लोगों के माइंड में बैठा हो कि जिम जाने से हाइट रुक जाता है, एंड ये सबसे बड़ा मिथ है। आप बाहर कंट्रीज में चल जाओ, वहाँ पे 10 साल, 11 साल, 12 साल का लड़का सब जिम कर रहा है, लड़का हो या लड़की हो सब जिम करता है, बिकॉज उनको पता है कि वेट लिफ्टिंग का बेनिफिट्स क्या है। जिम जाकर खाली आप वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, आप वहाँ पर जाकर स्ट्रेचिंग भी करते हो, योगा करते हो, बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, साथ साथ वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ये फिटनेस का ना सब एंगल है। आपको स्ट्रेचिंग भी करना इंपॉर्टेंट है, आपको कार्डियो भी करना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग भी करना इंपॉर्टेंट है, HIIT करना भी इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, खाली वेट लिफ्टिंग करने से नहीं हो जाता है, आपको हर एक एंगल पे फोकस करना है, HIIT भी करना है, कभी कभार कार्डियो भी करना है, स्ट्रेचिंग भी करना है, तो आपको हर चीज पे फोकस करना है। एंड ये सब कब होता है, जब आप जिम जाते हो, बिकॉज वहाँ पे हर चीज प्रेजेंट रहता है, एक माहौल रहता है। घर पर इक्विपमेंट्स है नहीं है, आपको इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ेगा, वो भी अनप नहीं है, आप कितना खरीदेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको हर फैसिलिटीज मिलेगा जो जो आपको चाहिए एक प्रॉपर फिटनेस लाइफ लीड करने के लिए। एंड जिम जाने से ना आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिम जाने से आपका हाइट रुक जाएगा, बिकॉज जब आप सही टेक्निक से वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर फॉर्म से कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज आपको हमेशा बेनिफिट करता है, बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आपका बॉडी
ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड उसके साथ साथ आपका हेल्थ बेटर होगा, आप एक हेल्दी बॉडी वेट पा सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या आपका वेट बहुत कम है, ये आपका हाइट को इफेक्ट करता है। आपको सबसे पहली बात क्या फोकस करना चाहते हैं, आपको अपने आप को फिट रखना है। जब तक आप फिट नहीं रहेंगे आपका ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक कब पहुंच सकते हैं, जब आप अपने आप को फिट रखेंगे, आपका डाइट अच्छा है, आप जो भी कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में हर चीज़ सही तरीके से कर रहे हैं एंड जब आप जिम जाएंगे ना तो आपको बाहर की चीज़ों से नफरत हो जाएगा। जब बाहर का जंक फूड अवेलेबल है उससे आपको नफरत हो जाएगा, बिकॉज तब आपको पता चलेगा ये सब चीज़ कितना गंदा है, इसे तो खाना ही नहीं चाहिए, मैं पहले क्यों खाता था ये सब। एंड सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है, पहले मैं घर पर वर्कआउट करता था लेकिन अभी मैं जिम जाता हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है यार पहले मैं क्या खाता था, ये सब गंदा चीज़ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, कभी कभार खाता हूँ टेस्ट के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम से मैं नहीं खाता हूँ, मैं उस इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। कभी कभार खाता हूँ टेस्ट के लिए, कभी कभार हो सकता है महीना में एक दो बार, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा आपका माइंडसेट तैयार होता है, तो माइंडसेट बहुत मैटर करता है। एंड आप जब लोकल जिम ज्वाइन करते हैं ना भाई, वहाँ का माहौल बहुत ख़राब रहता है, मैक्सिमम लोग आपको मिसगाइड करेंगे बिकॉज उनको नॉलेज नहीं रहता है। कोई भी एरिगरी घर से आ जाता है, ठीक है, कोई भी आ जाता है जिम करने एंड वो आपको हमेशा मिसगाइड करेगा एंड वो लोग ना सही टेक्निक से वर्कआउट नहीं करते हैं। मैंने इस चीज़ को खुद फेस किया, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो लोकल जिम में प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम लोग गलत वे से वर्कआउट करते हैं। उनको देखकर आप क्या सीखेंगे, आप भी गलत वे से वर्कआउट करेंगे, आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे एंड उससे क्या होगा, आपका ग्रोथ पेट्स में इंजरी हो सकता है एंड आपका हाइट रुक सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा जिम में मेंबरशिप लो एंड अपने पेरेंट्स को समझाओ कि जिम जाने के ये इंपॉर्टेंस है एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाना, उससे आपको हेल्प हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, मे बी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस, बाय, टेक केयर, लव यू।